हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ताकि आप इसको वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक मेंबरशिप प्लान के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेंबरशिप प्लान जो है कॉमर्सी पाठशाला की तरफ से एक्सक्लूसिवली बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल के कॉमर्सी पाठशाला पे आपको विजिट करना होगा। चैनल के नाम को क्लिक करके यहाँ पे चैनल पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद ये ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। बटन के पर क्लिक करने के बाद इग्नू बीकॉम या फिर एमकॉम जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस नाम के ऊपर क्लिक करें। सपोज आपने एमकॉम के ऊपर क्लिक किया तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, एक रुपए भी आपको पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा और सबसे जरूरी बात, जो नोट्स हैं वो आपको बहुत ही कम दामों पे हमारे हमारे पास से आपको मिल जाएंगे, जिनको देख करके डेफिनेटली आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स, एटलीस्ट 70% मार्क्स आप एग्जामिनेशन में ला पाओगे, राइट? तो ये हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके और उनको जो है बेनिफिट उन तक जो है पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन देखो यहाँ पे, इसको दबा दो और जो बेल आइकन है इसको दबा दो। इस तरीके से नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो दिखेगा, जब आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी बात जो है पता चल जाएगी ऑलरेडी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इग्नू एमकॉम का जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको इग्नू एमकॉम की आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 तक की यहाँ देखो, और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 मतलब सेकंड ईयर जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट बने हुए हैं जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके डेफिनेटली आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी इज बेसिकली द स्टैंडर्ड पॉलिसी। इट इनकॉर्पोरेट्स सर्टेन इंप्रूवमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ कवर इन ऑर्डर टू इनकरेज स्मॉल एक्सपोर्टर्स टू ऑब्टेन ऑपरेट पॉलिसी। द मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसीज आर, जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि देखो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जो छोटे एक्सपोर्टर्स है, जो छोटे लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं उनको किस तरीके से इनकरेज किया जाए। तो ऑलरेडी हमारे इंडिया में एक बेसिकली जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो तो काम करती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं जो टर्म्स ऑफ कवर है या फिर अलग अलग चीजों में, जिसके जरिए से गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि आप जो है एक तरीके से ट्रेड ज्यादा करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो, है ना? तो ये चीजें जो है स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए की जाती हैं और ये जो चीजें की जाती हैं इन्हीं को हम एक्सपोर्टर्स पॉलिसी कहेंगे, स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी कहेंगे, जहाँ पे उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, डिफरेंट बेनिफिट, डिफरेंट एडवांटेजेस दिए जाते हैं ताकि वो ट्रेड में एक तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। तो जो बेनिफिट्स जो है, जो पॉलिसी का जो फीचर होता है वो ये देखो ये होता है कि द पॉलिसीज इज इशूड टू एक्सपोर्टर्स हुज एंटीसिपेटेड एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख, है ना? तो जिसकी जो देखो 25 लाख से अगर आपका ज्यादा हो गया तो फिर आप स्मॉल नहीं रहे, ठीक है ना? तो ये पॉलिसी जनरली उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी, जिनका जो सालाना जो टर्नओवर है एक साल का वो 25 लाख रुपए से कम है, है ना? एंड ऐसा एंटीसिपेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए, बट ये एंटीसिपेशन किया जाता है कि 25 लाख से जो है जो जो पॉलिसी जो आपका अमाउंट है वो कम होगा, जो टर्नओवर है वो कम होगा, ठीक ना? दूसरा फीचर होता है इस पॉलिसी का, स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी का, कि जो पॉलिसी होगी वो 12 महीनों के लिए होगी, एक साल के लिए होगी, ठीक ना? शिपमेंट्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड ओनली ट्वाइस। शिपमेंट जो है उसको सिर्फ दो बार डिक्लेयर किया जा सकता है। द फर्स्ट 6 मंथ शिपमेंट इज डिक्लेयर्ड इन द 7th मंथ एंड द लास्ट 6 मंथ इज डिक्लेयर्ड इन द 13th मंथ, है ना? शिपमेंट जो है दो बार डिक्लेयर किया जाता है, तो सबसे पहले जो डिक्लेरेशन होगा शिपमेंट का वो 6 महीने बाद मतलब 7वें महीने में होगा, और जो दूसरा डिक्लेरेशन होगा शिपमेंट का वो 12 महीने बाद मतलब 13वें महीने में होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है सिर्फ। चौथा पॉइंट है, द एक्सपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मंथली डिक्लेरेशंस ऑफ ऑल पेमेंट्स रिमेनिंग ओवरड्यू बाय मोर देन 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, है ना? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो एक्सपोर्टर होगा ना उसको मंथली डिक्लेरेशंस देनी होंगी, मंथली डिक्लेरेशन सबमिट करानी होगी, जो भी उनका खर्चा हुआ है या फिर जो भी खर्चा उनका होना बाकी है, जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग ओवरड्यू है, जिसका टाइम 60 या 60 दिन से ज्यादा हो गया है, वो आपको जो है उसका मंथली डिक्लेरेशन जो है आपको देना होता है, राइट? पांचवा नंबर पॉइंट है, ईसीजीसी विल पे क्लेम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 95% वेयर द लॉस इज ड्यू टू कमर्शियल रिस्क
एंड 100% इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय एनी पॉलिटिकल रिस्क, है ना। तो ECGC जो है आपको 95% आपके लॉस का कवर देता है। सपोज आपके 1000 रुपए खर्च हो गए तो 950 रुपए का जो कवर है वो ECGC देगा। मैं एक एग्जाम्पल के तरह तौर पे बता रहा हूँ, 1000 रुपए, हालांकि यहाँ लाखों करोड़ों में खर्च होता है, लॉस होता है, तो उस केस में ECGC जो होती है ना, एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम जो है ना, ये जो है एक तरीके से 95% तक का लॉस यहाँ पे आपको बेनिफिट जो है आपको देती है, इनकेस अगर आपका कमर्शियल रिस्क होता है, कमर्शियल रिस्क के कारण अगर आपका लॉस होता है। वेयर एज अगर आपका किसी पॉलिटिकल रिस्क के कारण किसी भी तरह का लॉस होता है तो उस केस में आपको 100% तक का कवर मिलता है। मतलब अगर आपका अगर 1000 रुपए का लॉस हुआ तो आपको 1000 रुपए ही वापस मिल जाएंगे, है ना। छठा नंबर पॉइंट है, द वेटिंग पीरियड ऑफ द क्लेम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 मंथ्स। जो वेटिंग पीरियड होगा क्लेम का उसको 2 महीने तक घटा दिया गया है ना। 2 महीने तक ही आपका जो है वेटिंग पीरियड है, 2 महीने से ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपका क्लेम जो है 2 महीने में क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की गई है फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। नाउ द 7th पॉइंट, इन ऑर्डर टू डील विद द बायर्स, एक्सपोर्टर्स हैव बीन परमिटेड टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट और एक्सटेंशन इन द क्रेडिट पीरियड, है ना। तो एक तरीके से बायर्स के साथ डील करने के लिए, अब आप एक्सपोर्ट जब कर रहे हो तो आपका बायर डेफिनेटली किसी फॉरेन कंट्री में बैठा है, तो उनके साथ डील करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स होता है उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो जो है पेमेंट में या जो क्रेडिट जो पीरियड है उसमें वो लोग एक्सटेंशन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ये बेनिफिट जो है बायर्स, चूंकि बायर बाहर बैठा हुआ, फॉरेन में बैठा हुआ, तो जो एक्सपोर्टर होगा, जो जो सेलर होगा, उसको ये बेनिफिट दी जा रही है हमारी कंट्री के द्वारा, है ना। 7वां नंबर पॉइंट है, इन केस ऑफ रीसेल ऑफ अनएक्सपेक्टेड गुड्स, अगर आप अनएक्सपेक्टेड गुड्स को बाद में रीसेल करते हो, द कॉर्पोरेशन मे कंसीडर रीजनेबल अमाउंट फॉर रीपेमेंट ऑफ क्लेम्स। तो इस केस में जो कॉर्पोरेशन होगी, है ना, यहाँ पे जो ECGC है वो कॉर्पोरेशन है, वो एक तरीके से कंसिडर करेगी कि जो आपका पेमेंट ऑफ क्लेम्स है उसमें अमाउंट जो है वो कंसिडर करती है कि कितना पेमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ये लेकिन डिपेंड करेगा कि आप अगर अपने अनएक्सपेक्टेड गुड्स को सेल कर पाते हो, रीसेल अगर आप कर पाते हो तो। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट द स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। ये पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और उसके मेन फीचर्स जो हैं मैंने अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।